हाय क्लास 9, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज डिस्कस करने वाले चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये मतलब ये टॉपिक्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज डिफाइंड होमोजीनियस मिक्सचर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरिड विद द लिमिट्स। मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है सब्सटेंस को, हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरिड विद द लिमिट, और इनकी जो कंपोजिशन होती है वेरिड करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए ऑलमोस्ट चीज़ें हमारे पास जो प्रेजेंट है ना, वो एक तरह से क्या है, सॉल्यूशन ही है। मतलब जो भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं, जो भी डेली लाइफ में कई चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं, वो सब की सब चीज़ें क्या होती है, आपकी होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन ही कहलाती है, ठीक है। लाइक आपने वाटर के अंदर किस चीज़ को मिक्स किया, ठीक है, लाइक शुगर को आपने घोला, मिक्स किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जब आप मिक्स करते हो तो एक लिमिट में मिक्स करते हो। अब ऐसा थोड़ी है कि शुगर को आप वाटर के अंदर घोल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो घोलते जाओगे, मिक्स करते जाओगे, मिक्स करते जाओगे और घुलता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि उससे भी हम समझेंगे, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि उस टाइम के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो एक लिमिट के अंदर किसी चीज़ को हम मिक्स करते हैं वाटर के अंदर या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लाइक देखिए सॉल्ट और वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, रबिंग अल्कोहल एक सॉल्यूशन है, शुगर डिसॉल्व इन वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, और एक कॉम्पोजिशन के अंदर और लिमिट के अंदर, उससे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लंग भी कर सकते हो, कि सॉल्यूशंस इज डिफाइंड एज अन होमोजीनियस मिक्सचर टू ऑफ द टू और मोर केमिकली एंड नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरिड विद द लिमिट, ठीक है, जिसका कंपोजिशन क्या होगा, लिमिट के साथ वेरिड करेगा। ऐसा नहीं कि आप बस मिक्स करते जाओ घुलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा और वो सॉल्यूशन होगा, नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। बहुत ईजी है, देखिए सॉल्यूट नॉर्मल तरीके से आप याद कर लो, जो भी चीज़ कम होती है, लेस अमाउंट में जो चीज़ होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। आप जब भी वाटर लो, ठीक है, वाटर के अंदर क्या मिक्स कर रहे हो, शुगर को मिक्स कर लो, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में। तो ये रहा, आपने शुगर को मिक्स किया, ये शुगर के पार्टिकल हो गए और ये आपका वाटर था, इसके अंदर ये रहा वाटर। तो इसमें क्वांटिटी किस चीज़ की ज़्यादा है, आप पूरे शुगर के अंदर वाटर को थोड़ी मिक्स करते हो, थोड़े से शुगर को मिक्स करते हैं हम ज़्यादा वाटर में, तो आपका जो थोड़ा सा शुगर है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, वो चीज़ क्या होती है, आपकी सॉल्यूट कहलाती है, ठीक है। जो लेस अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट होगी ना, वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी सॉल्यूट। लाइक शुगर और वाटर के अंदर सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, क्योंकि हम थोड़ा सा शुगर मिला रहे। सॉल्ट और वाटर के अंदर सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट जो हो गया सॉल्ट हो गया, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को, देख लेते हैं, द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट। सिंपल सी बात है, आपको जैसे बोल दिया जाए कि 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम मिल्क है, तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क एक तरह से आपका सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ना क्वांटिटी में। या फिर हमें कह दें 20 ml वाटर है और 10 ml ऑयल है, तो ऑयल क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि जो चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है वही चीज़ क्या होती है, सॉल्यूट होती है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जांपल में देख सकते हैं आप, सॉल्यूट इंक्लूडेड लाइक शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, है ना, ये एग्जांपल हो गया आपके। ये सब हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ना, लाइक आपको अगर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्ट कम अमाउंट में डालोगे, ऐसा थोड़ी सॉल्ट डालते जाओगे और वाटर रखोगे थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो स्मॉल अमाउंट में जिस चीज़ मिक्स किया जाता है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट कॉल द सॉल्यूएंट, जो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। नॉर्मल सीज वाटर एक तरह से क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्पर्जन मीडियम, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, डिस्पर्जन मीडियम बोल सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट आर वाटर्स, इथेनॉल, टॉलवीन, क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन, मिल्क एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, आपके सॉल्वेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी लार्ज स्केल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं।
सिंपल सी बात है। एक तरह से देखिए, ये ज़्यादा प्रेजेंट है ग्रीन वाली चीज़, तो ये क्या होगी, सॉल्वेंट हो गई, और ये जो थोड़े से प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सॉल्यूशन जो भी होता है वो किससे मिलके बनता है, ये ओ है। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से ही मिलके बनता है, वो क्या क्या है आप देख लो, अब फॉर्मूला भी आप देखेंगे, वो क्या होता है सॉल्यूट, एक तो आपका क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। ठीक है, सॉल्यूट के अंदर आप क्या ऐड कर दो, प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, SOLV। ठीक है, आपका सॉल्वेंट हो गया, पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ये दो चीज़ें मिक्स होती है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट है। उसका देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना और इसको नोट भी करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, पहला पॉइंट नोट, सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, पूरी तरीके से घुलने वाला होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वेरी गुड। उसका देखिए साइज ऑफ द स्मॉल देन द 1 nm, जिसका साइज होता है 1 nm से भी कम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसको हम नॉर्मली निकेट आई होते इसको देख भी नहीं सकते। तो इसका साइज कितना होता है, 1 nm होता है। किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, 1 nm। उसके बाद से देखिए डिस्कस करते हैं, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके बाद फोर्थ क्या है, इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर द पीरियड टाइम। और सॉल्यूट क्या होता है ना, ऐसा नहीं हो कि नीचे बैठ जाता है या सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिक्स है, इसका पार्टिकल नीचे सेटल होता ही नहीं है, इसमें सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, पूरा एक स्टेबल मिक्सचर होता है, कोई भी पार्टिकल नीचे जाके नहीं बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हो कि सेटल डाउन हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिक्स होता है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ़ सॉल्यूशन इज अ पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। हम इसको अगर पास करते हैं फिल्टर पेपर से, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, डू नॉट सेपरेट, इनको हम क्या करते हैं, अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब भी ये पूरी तरीके से मिक्स है तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, डू नॉट सेपरेट, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्टर पेपर के द्वारा ना सॉल्यूट अलग होगा ना सॉल्वेंट अलग होगा। लाइक देख लीजिए, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लीजिए, आप उसमें से सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते और ना वाटर को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं किया जा सकते। उसका देखिए, इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, इट डज नॉट शो, एक कोई एक टिंडल इफेक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, तो जो टिंडल इफेक्ट होता है इसमें शो नहीं कर सकते, और लाइट स्कैटर नहीं होती, स्कैटरिंग लाइट होता है, मान लीजिए लाइट आई यूं, ठीक है, और इस पर आके टकराएगी, अब टकराने के बाद क्या होता है, ये फैल जाती है, इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कब होता है ये, जब उसमें पार्टिकल दिखते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल दिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपके लाइट आती है, मान लीजिए LI, और यहाँ से आके टकराई, और टकरा के फैल गई इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, बट ऐसा इसमें परफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल ही नहीं है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो स्कैटरिंग लाइट नहीं करा सकता। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इसमें से कोई 5 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना, एग्जाम में जरूर आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप करोगे कि सॉल्यूशन का तो होमोजीनियस होता है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है 1 nm होता है, सॉल्यूशन को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, सॉल्यूशन मिक्सचर क्या होता है, स्टेबल होता है, सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर से भी, हम फिल्टर पेपर से पास करके भी सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, और इट डज नॉट स्कैटर लाइट, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन किन किन से मिलकर बनता है, याद रखने का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। देख सकते हो आप इसमें सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में, लाइक इसमें छोटा छोटा प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, पूरा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद से डिस्कस करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंपैरेटिव टर्म। देखिए डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट वो चीज़ होती है जिसमें वाटर क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उससे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कंसेंट्रेटेड जिसमें हमारा सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। ठीक है, अच्छे से एक बार और समझते हैं। देखिए अ सॉल्यूशंस हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूट। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट आपका क्या है, कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या कम है, गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूटेड, और फिर वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। मतलब कि डाइल्यूट मतलब कि सॉल्यूट का कम होना। देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूट क्या एक तरह से कम है, लेकिन सॉल्वेंट क्या आपका ज़्यादा है, मतलब कि नमक कम है और आपका वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है
और सोल्यूट कम होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, डायल्यूट बोलते हैं। उसके बाद से देखिए, वेयर एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसेंट्रेटेड। अब जब सोल्यूट ज़्यादा हो जाए, है ना, सोल्यूट क्या हो जाता है, इसमें देखिए, इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं ब्लू वाली बॉल्स है वो ज़्यादा हो गई है ब्लू कलर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंसनट्रेटेड है, इसमें ब्लू कलर कम है तो ये डाइल्यूट है। तो इस तरह के चीज़ होता है कि सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह से कंसनट्रेटेड वो चीज़ होता है जिसके अंदर सॉल्यूट चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल होता है कंसनट्रेटेड के अंदर ज़्यादा होता है, लिख लो इस चीज़ को, सॉल्यूट जो होता है कंसनट्रेटेड के अंदर ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, और डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है, किसके अंदर, डाइल्यूट के अंदर। तो ये आपके लेवल था, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लेवल पे और प्रेजेंस ऑफ लार्ज है कम है इसके बेस पे हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड को डिफाइन कर पाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, देखिए अ सॉल्यूशन दैट कैन बी डिसॉल्व मोर देन सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जब ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है एट टेम्परेचर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व अगर हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब डिसॉल्व होए जा रहा है तो वो सैचुरेटेड अभी, मतलब कि हम चीनी नमक को घोले जा रहे हैं पानी के अंदर तो नमक घुले जा रहा है, जब तक वो घुल रहा है तब तक वो क्या, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि आप जैसे नमक डालते जाओ पानी कम हो जाएगा और नमक की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, तो वो टाइम क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड हो जाएगा वो, कि अब भैया वो नहीं घुलने वाला, ठीक है, आप घोले जा रहे थे। देखिए अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी सॉल्वेंट, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेशन सॉल्यूशन। मान लो हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया, ठीक है, 25 डिग्री एग्जाम्पल देख लेते हैं एकदम बढ़िया से और क्लियर हो जाएगा आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अब आपने ना इस टेम्परेचर पे परफॉर्म करना शुरू किया प्रैक्टिकल को अपने, और ये वाटर लिया, ये रहा आपका वाटर ऐसे तैरता हुआ, ठीक है, ये वाटर हो गया। अब इसमें मिक्स कर रहे हो आप किसके पार्टिकल, सॉल्ट के, तो ये क्या किया, मिक्स किया हमने, सॉल्ट यहाँ पे गया और मिक्स किया, सॉल्ट यहाँ पे गया, तो ये आपका सॉल्ट मिक्स हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक तो ये होगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, मतलब आराम से घुले जा रहा है, ठीक है, बहुत से घुल गया पूरा नमक। लेकिन एक टाइम आएगा कि पूरा नमक आप डालते जाओ पूरी जगह क्या हो जाएगा, नमक ही हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट ही सॉल्ट हो जाएगा हर जगह। तो अब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप इसमें इस एग्जांपल भी देख सकते हो इस इमेज के द्वारा, ये देखिए ये क्या सैचुरेटेड है कि पूरी तरीके से वाटर का लेवल कम हो गया और हर जगह ये इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। लेकिन सब ये एक कन्फर्म टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर का हम राइज करते हैं ना तो चीज़ों की घुलने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो अनसैचुरेटेड होने लगते हैं सैचुरेटेड से। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो कोई भी चीज़ ज़्यादा डिसॉल्व होने लग जाती है, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। तो ये आपके देखिए ये लार्ज अमाउंट में आपके क्या होते जा रहे हैं, सॉल्यूट होता जा रहा है, और अब ये घुलेगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट हो गया ना हर जगह, तो नमक हो गया, पानी बस थोड़ा सा रह गया, तो ये हो गया आपका सैचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। और अनसैचुरेशन में क्या है कि घुल रहा है आराम से, ठीक है, और सॉल्यूट के वैल्यू क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ को, तो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा।